सफेद मंदार का फूल लगाया है तो दृष्टि दोष तंत्र मंत्र करने वालों का क्षीण हो जाएगा और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चे को अगर गर्मियों में गर्मी से नाक से ब्लीडिंग होती है, खून गिरता है, गुलाब फूट कर बिना पानी डाले उसका एक बूंद अर्क नाक में डालेंगे तो बंद हो जाएगा। तुलसी के गुण बताए, जैसे किसी का श्वास ज्यादा चढ़ता हो तो वो अजवाइन है ना, एक लीटर पानी में 20 ग्राम अजवाइन डाल दे, 40 तुलसी के पत्ते उबाल कर रख लो, यही पानी दिन में 3 बार पियो, श्वास की तकलीफ कम हो जाएगी।
किसी के बच्चे को नजला है, खांसी है, लौंग भून कर सेहत में चटा लेने, सीने में दर्द है, दोबारा सीने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, अगर आपके पास कोई औषधि नहीं है तो जिनके पास कागज कलम हो वो लिख ले, नहीं तो पूछने के लिए या तो मेरे रिसर्च सेंटर में आना पड़ेगा या फिर जावे बैठता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम सरसों का तेल, 10 से 15 लहसुन की बारीक कली, क्योंकि लहसुन में स्टेराइड होता है, 25 तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन डाल के उबाल दीजिए, नीचे उतारिए, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 20 ग्राम कपूर मिला दो, उसको नाक में डालकर सुंघा दो, घुटने में मालिश करके सेंक दो, छाती पे मालिश कर दो, तो जो हमारी माता जी हाय हाय करती है ना घुटने में, आराम पड़ जाएगा। परमात्मा ने इस प्रकृति में जो भी बनाया सबका उपयोग है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। कोई चीज दुरुपयोगी नहीं है। आप बहुत सारी बीमारियों के कह रहे हो विषय पे लगे तो एक दिन अलग से कहते हैं। पाइल्स बवासीर जिसे आप कहते हैं, ज्यादा होती है नहीं, पतली छाछ, पतली छाछ में 1 चम्मच मिश्री मिला करके दिन में 3 बार पीना चाहिए। डाइजेशन क्लियर, पाइन सिरा। अने वन वृक्षों की तुलना की, अनार, अनार का वर्ण क्या, रक्त बताया, दाढ़ी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में तो रक्त वर्ण, कहा कि अगर किसी का ब्लड कम है नहीं है तो दाढ़ी देना, किसी के छाती में NH4 NH3 ब्लॉकेज है, छाती की जो नसें है ना NH4 NH3 हार्ट ब्रेन ब्लॉकेज, ECG करना, बाईपास सर्जरी करना। अगर आपके दरवाजे पे अर्जुन का पेड़ है तो उसके छिलके निकाल कर उसका काढ़ा पिलाते रहेंगे तो भी ब्लॉकेज अपने आप निकल जाएगा। BP कम ज्यादा है तो रुद्राक्ष को घुस लें, उससे जो लिक्विड हो 1 चम्मच वो लिक्विड, जैसे चंदन रगड़ के निकलता है सफेद, 1 चम्मच वो 1 ग्लास दूध के साथ पी लें, BP कंट्रोल में हो जाएगा। और अगर लो है तो काफी जल्दी, और हाई है तो नमक और टेंशन दोनों बंद कर देना चाहिए, नमक खाना नहीं और टेंशन करना नहीं, और अगर ये दोनों रहेगा तो किसी डॉक्टर की दवा काम करेगी। वन वृक्षों के बारे में श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर सुंदर, कदम्ब का कितना प्यारा है, उम्बर गुलर का, पारिजातक का, अडुलसा का, ये सारे वन वृक्ष भगवान जहां थे वहीं आए थे, ये समर्पित ऋचाएं हैं, जिन्हें आप गोपिया कह रहे हैं ना, ये वेदों की ऋचाएं हैं। और आज भी निधि वन के बारे में कहा गया कि मध्यांतर में भगवान रास रचाते हैं तो एक वृक्ष नहीं रहता, वो तो सारी गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। निधि वन में रास करते हैं, हर वृक्ष का उपयोग है, कोई वृक्ष नहीं है जिसका उपयोग ना हो। मैं कहता हूं कि मेरे परमात्मा जिस धरा पे पैर रख दे वो धरा में सुगंध हो जाती है। मैं तो खैर विदेशों में भी जाते हैं लेकिन वहां सुगंध नहीं है मिट्टी में भी।
जो चीज यहाँ वो कहीं और नहीं है। भारत की धरा में बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे आपको बहुत सिर में दर्द हो, अनुभव लेने के लिए कह रहा हूँ, नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाइएगा, यहाँ शीतल हवा आती हो, अपने आप को रिलैक्स होने लगेगा। क्योंकि जब आप दुनिया में चलते हो ना पैदल, तो इस पृथ्वी से एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। चले अपने प्रसंग पे, आचार्य जी बिंदु से हट रहे हैं, हम मेडिकल में ही चलेंगे, हेल्थ के प्रोग्राम चैनल पे देख लेंगे। अक्सर जागरण चैनल पे चलता रहता है, आयुर्वेद से आयुर्वेद भी हर चैनल पे आता है, मैं भी चैनल पे आएगा, वृंदा दिव्या पे आ सकता है। अब दिव्य दृष्टि ठाकुर की जहां फिर जाए वही हो जाए। आयुर्वला यशो वर्च प्रजापा सूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देहि तम देहि वनस्पति। वनस्पति के गुण धर्म को जानने वाला चाहिए, इस वनस्पतियों में सब कुछ है। और मैंने कल आपको एक लाइन बताई थी कि हमारा सनातन धर्म त्रिविध है, इसमें सब कुछ है। और आपने भागवत की आरती में देखा, ज्ञान भक्ति विज्ञान खालिक, ज्ञान की विज्ञान की और भक्ति की खाल मूल माना गया है हमारे सनातन भागवत। इसमें ब्रह्म का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, स्वापोषी परपोषी जीव का ज्ञान है, जलचर थलचर नभचर प्राणियों का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। यानी ये एक ऐसी दुकान है कि इसमें अगर दुकानदार सही हो और खरीदार समझदार, तो एक ही दुकान पे सारा सौदा मिल जाता है, दूसरे दुकान पे जाने की कमी या जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। ये है सनातन। अब वो बात अलग है कि दुकान सब विचारी ना हो और ग्राहक में समझदारी ना हो, तो फिर तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ही, बेचने वाला बेईमान हो जाएगा जी और लेने वाला भी परेशान हो जाएगा। आज कई बच्चों को ताप नहीं जाए सर से, सारी दवाइयों से जब हार जाना, वृंगराज चिरायता ब्राह्मी ये तीनों का सम मात्रा में अर्क बना लेना, रोज पिलाना। और अभी जो आयुर्वेद की एक बात बताऊंगा, अगर कोई मेरे डॉक्टर मित्र बैठे होंगे पढ़े लिखे, तो कहेंगे बाबा कल से ये बात मत बोलना, क्योंकि फ्री में वो काम होता है जो 1 लाख खर्च करके मिल गया। आचार्य भाई, अगर किसी को परमानेंट फीवर हो, इनकेफेलाइटिस हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो सबसे पहले फ्लैटलेट कम होती है, श्वेत कणिकाएं कम होती है, और इसको क्योर करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन बच्चा हाथ में आता। अगर आप चाहते हैं किसी का भला हो तो लिख लेना और अजमा लेना, मुझसे फेल नहीं है, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ और आयुर्वेद रत्न हूँ, मेरी खुद की 2-2 फैक्ट्रियां, सारी दवाइयां बनाता हूँ। ज्वाइंटिस हो जाता है लास्ट में, और जब ज्वाइंटिस में कोई दवा ना काम करे तो एलोवेरा कवार पाठा और सफेद पुनर्वा, ये दोनों का समान मात्रा में काढ़ा बना के पिलाना। और यही सफेद पुनर्वा का लेप पूरे शरीर में लगा देना, ज्वाइंटिस 3रे दिन नहीं रहेगा,
जा करके किसी भी लैब में चेक कर लेना कि हमारे ठाकुर के स्पर्श से ही मन वृक्षों में शक्ति आ गई है। और आप भागवत को पढ़िएगा तो मैं बिल्कुल, हम लोग कैसे प्रवक्ता लोग चोर हो गए, काफी चीजें नहीं बताते। अगर भगवान को वृक्षों के गुण का नहीं पता होता तो निधि में नहीं थे, बरसाना, कोशिकला, नंदगांव, कहीं भी, लेकिन स्थान का भी होता, समाज का भी होता, ये सब चीजों का महत्व है। ये ज्वाइंडिस के लिए था। और अगर किसी का प्लेटलेट कम हो जाए, श्वेत कणिकाएं कम हो जाए, तो आप पपीता खाते हो ना, पपीता, पपीते का जो सबसे कोमल पत्ता हो, नॉर्मल पानी डाल के उसका रस निकालना, एक चम्मच रस दिन में दो बार देना, छह दिन के बाद अपने आप प्लेटलेट बराबर हो जाएगा। ये हमारे आयुर्वेद की क्षमता। बिहारी जी वृक्षों में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, किसी के पैर में मोच आ गई, किसी के सिर में दर्द हो गया, तो जिसके पैर में मोच आ गई वो क्या करेगा, मंदार के पत्तों को तोड़ता है, उसके दूध को निकाल के लगाता है, दर्द ठीक हो गया। अक्सर हमारे घरों में जब चोट लग जाए तो आंबा, हल्दी, प्याज, गुड़ लगाया जाता है। भगवान यहाँ आनंद ले रहे हैं, लेकिन उधर से कंस भगवान को मारने का बार बार प्रयास करता है। मेरे मित्र, शरीर से कोई किसी का शत्रु नहीं होता, शरीर से कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, शत्रु तो आदमी के प्रगति के हुआ करते हैं, शत्रु तो मान और सम्मान के हुआ करते हैं, संत तो संतुष्टि के सिवाय परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन शत्रु आशा और आतृप्ति के हुआ करते। कभी कभी अफसोस होता है, हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, जिसे देखता हूँ वही रो रहा है, हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, वही रो रहा है, हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, जिसे देखता हूँ वही रो रहा है, हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, जिसे देखता वही रो रहा है, करते हैं बातें हवा वो करूं किसे, करते हैं बातें हवा से
जितनी दुखी है इसी तृष्णा में, इसी तृष्णा में जगत खो रहा है जिसे देखता हूँ वही रो रहा किसी की वस्तु चुरा ले तो चुरा ले, अज्ञानता में उसे चोर कहते हैं, लेकिन अगर एक शिक्षित इस कर्म को करे तो थोड़ा समझदारी की बात नहीं होगी। अनजाने में अगर कोई काम करे तो उसे अज्ञानता कहते हैं, लेकिन दयालु बड़ा अफसोस होता है जब लोग जान करके भी अज्ञानता का काम करते हैं। मालूम है शराब पिया है तो गिरना है, चोरी किया है तो तकलीफ होना है, लेकिन नहीं, दिल वाले बचा ले दिल अपना, हम तीर चला है क्यों छोड़े, कोई मरता है तो मरने दो, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। ऐसी वृत्ति है पानी के जैसे, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे आदमी उतले हुए स्वार्थ मात्र के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने लगता है, चाहे उसका खुद का नुकसान हो, सामाजिक छवि चली जाए या किसी का परिवार क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन उसे नहीं। करते हैं ज्ञानी बनते जगत सारी दाता तेरे जग में दाता, ये क्या हो रहा है इसे देखता हूँ वही रो रहा से दुखी, सुखी है तो एक हरि का भक्त, परमार्थी परोपकारी, बाकी तो सब तरफ से दुखी ही दुखी है। तेरे किस्मत में मानो सदा खोना ही खोना है, तेरे किस्मत में ऐ मानो सदा खोना ही खोना है, भटकता जिस जहां में तू वहां रोना ही रोना है, पाना अगर है तो आ दरबार प्यारे सतगुरु के, वहां मिट्टी ही मिट्टी है यहाँ सोना ही सोना है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। कंस कृष्ण को यानी अपने मृत्यु, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा दो चीज का भय है, एक समाज का दूसरा मृत्यु। बकासुर को भेजता है,
बकासुर बक यानी सुर, बका सुर जिसका वर्ण बक यानी बगले के जैसा बनाते हैं। जते नामे तथे गुण, जैसा नाम वैसा गुण। किसी भी नाम का अगर सही तरीके से व्याख्यान कर दिया जाए तो सुनिश्चित वैसे ही वो उसमें होते। बकासुर को भेजा है सारे बाल गोपाल गाय चरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और बकासुर ने अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। तो प्रभु एक समय को निर्धारित रखते हैं, बकासुर कुछ चीजें आज आपको समझेंगी हैं कि समय से पहले कुछ। अब यहां आपको भागवत का एक मार्मिक सूत्र बताऊंगा, ये कि समय पारथ ने भारत को जीत लिया, एक समय कृष्णचंद्र एक समय पारथ ने भारत को जीत लिया, एक समय कोल भील लूट लिया। कृष्ण वही कंस वही, ध्यान दे रहा, समय का इंतजार करना चाहिए। कृष्ण वही है, जन्म लेते हैं, वसुदेव से कहते हैं मुझे यहां से ब्रज में ले चलो, गोकुल से। जिसके एक दृष्टिपात से जंजीरें टूट गई, जिसके नाम लेने से सारे द्वार खुल गए, उसे भागने की क्या जरूरत। समय, समय का बहुत बोध है, जिस समय जो करना चाहिए उसी समय वो करना, और इसके लिए दिल में शांति रखने की। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चौपड़ी मतलब चाहे जी, वही चीज समय का चक्र है। ठाकुर ने एक समय तक इंतजार किया, आनंद लिया कि भाई निर्बल को न सताइए जाके दाता राम, निराकारण किसी का प्राण लेना, निराकारण किसी को अपशब्द कहना ये दोष होता है, और मेरे परमात्मा ने कभी किसी भी की मृत्यु का दोष तो लिया ही नहीं। कोई एक्सीडेंट में गया जी, फिर भी माता कहते राम जी ने पाला। एक लीला रचाया और बाद में बकासुर का सूक्ष्म रूप से अंदर जाकर के एक चोच नीचे और दूसरा ऊपर। बक की उदाहरण उसकी कुछ अच्छाइयों का व्याख्यान नीति श्लोक में आता है। हर व्यक्ति में दोनों चीज होते हैं, कुछ अवगुण तो कुछ गुण। नीति श्लोक में कहा गया कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाल निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्याग विद्यारथी पंच लक्षण। लेकिन आजकल विद्यार्थियों के उल्टे लक्षण है, काक चेष्टा कौए की, बको ध्यानम बगले की तरह ध्यान, एक पैर पे खड़ा है वक्त आने पर शिकार को कर। बको ध्यानम श्वान निद्रा कुत्ते की जैसी नींद, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी
भोजन कम है, गृहस्थ त्यागी संसारिक जीवनों से मुक्त रहे उधर दिमाग को ना लगे, इसीलिए घर से दूर रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है। गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी है पंच, रामायण में तो यहां तक कहा गया कि दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट थे और नंद यशोदा के घर या वासुदेव के घर क्या कमी थी, लेकिन कृष्ण की शिक्षा संदीपनी गिरु के आश्रम उज्जैन में क्यों, हजार टीचर घर में आ सकते थे। राम की शिक्षा विश्वामित्र के घर क्यों, संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जा बास पास अरुमी शरीर कई भाव, संगत दुकान पे खरीदो तो कपूर है, खाली में सजा दो तो आरती है, अकेले शंख लगा लो, अकेले भोजन कर लो तो भोग है, ठाकुर को चढ़ा दो तो प्रसाद है। मीरा को राणा ने जब विष का प्याला दिया था तो मीरा को नहीं पता था कि इसमें विष है या अमृत, उसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे इतना ध्यान था कि मैं अगर पी लूं मेरा लल्ला कैसा रह जाए, ये भाव था कि मैं पी लूंगी मेरा लल्ला प्यासा रह जाएगा जी, तो मेरे पीने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं पहले मेरे लल्ला को पिलाऊंगी और जिसे भगवान स्पर्श कर दे वो विष थोड़ी रहता है, वह तो अमृत बन ही जाएगा। ऐसे आपके अंदर भाव हो तो मजा आवे। तो गुजरात में कहते हैं भजन करवा मामा तो दुखे, मारा गुजरात में कावत छे आचार्य, जारे तमारे भजन करू है ना मा तो दुखे, ए मैं मा तो दुखे छे અને ભાખર ખાવા મા તો ના દુખે, અમર નથી દુખતું યાર, તારે નથી દુખતું, તારે જે અમર નથી દુખતું, તમારે નથી દુખતું, ભજન કરવાનું સારા સારા રસ્તે છે। कहते हैं कि जब आपको भजन की बात आती है तो माथा दुखता है, सिर दुखता है, हैं? और जब रोटी खाने की बात आती है तो कुछ नहीं दुखता है, ऐसा कहते हैं कि अगर सुबह नाश्ता नहीं हो तो तड़प बन जाती है कि अरे यार नाश्ता हुआ नहीं भूख लग गई, चाय हुआ नहीं भूख लग गई, लेकिन कभी ये तड़प नहीं लगती कि आज मैं गुरुद्वारे में नहीं गया, आज मैं मंदिर में नहीं गया, आज बिहारी के दर्शन नहीं किए, आज मैंने किसी भिखारी को रोटी नहीं खिलाए, इस दिन ये तड़प लग जाए आपके जीवन में, भगवान आपके घर में आकर मिला जाए, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन तड़प परमात्मा को पाने के लिए। काहे बजाए ढोल लगा रे, काहे बजाए ढोल लगा रे, काहे करे अजान रे, और ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, काहे बजाए ढोल नगाड़े, काहे करे अजान रे, ढूल सके तो ढूल तेरे अंदर है भगवान रे, ढूल सके तो ढूल तेरे अंदर है भगवान रे।
तुलसी जी वृंदावन पहुंच गए, ध्यान देंगे सत्संग में आए हो ना, ये शरीर से तीन काम करो, नेत्रों से प्रभु के दर्शन की अभिलाषा हो, जीवा से उसके नाम का उच्चारण और इन हाथों से मधुर कर संप्रदाय भेद वैष्णव संन्यास, अरे नहीं भाई, परमात्मा सबका वही है, रास्ते अनेक है लेकिन पार उतारने वाला कहीं श्याम है, मैं राम को मानता पैर नहीं छूना, तो क्या कहते हैं जी, मस्तक नहीं झुकाओ, मस्तक नहीं झुकाओ, मस्तक नहीं झुकाओ, धन काम से आओ, मस्तक नहीं झुकाओ, मस्तक नहीं झुकाओ, धन काम से आओ, मस्तक नहीं झुकाओ, तेरे आगे जितना तुम्हें जिंदगी दी उसकी बंदगी में क्या कर्म है, तुम्हें उसने जिंदगी दी और तुम उसकी बंदगी नहीं करोगे, कुछ बात अच्छी नहीं लगती, रूठ जाओ उनसे जो आपसे रूठते हैं, उससे क्यों रूठते हो भाई जो आपसे कभी रूठता ही नहीं, जय हो, मस्तक नहीं झुकाओ, धनकाम तेरे आगे, मस्तक नहीं झुकाओ, धनकाम तेरे आगे, हर किसी से नहीं क्या करते, मोहब्बत हर किसी से नहीं क्या करते, जिससे मोहब्बत करके बाद में हम उदास हो, अरे मोहब्बत करना है तो करना मेरे बिहारी से,
मोहब्बत करना है तो करना मेरे बिहारी से, जिसकी आई में कुछ बातें खास हो। एक बार मुलाकात का, एक बार मुलाकात का मौका तो दीजिए, 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 मेरे शाम के दीदार का आँखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो, नजरें मिला के मोहब्बत जाने किधर, सुलझी हुई है जुल्फे, सुलझी हुई है जुल्फे, पर हम उलझ रहे हैं और बरसात तो नहीं है, बादल गरज रहे हैं, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं, एक बार मुलाकात का मौका तो दीजिए, एक बार मुलाकात का मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, अरे मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, हमें मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए, हमें मौका तो दीजिए, और मेरे शाम के दीदार का सुंदर नाम हम तेरा मिटा देंगे।
सुना है हमने वेदों में कि तुम अधर्मों के दाता हो, और अगर हमारे बुलाने पे नहीं